मेरा नाम पूजा आयंगर है, मैं महाशक्ति सेवा केंद्र की चेयरपर्सन हूँ। यहाँ पर अभी महाशक्ति सेवा केंद्र में अराउंड 25 to 30 महिलाएं जो हैं वो यहाँ पे अपना रोज़गार का काम करती हैं। और हम लोग का मेन एम ये रहता है कि जितने भी पुराने कपड़े हैं सिटी के उनको हम लेके आएं और उसको कैसे हम लोग रीयूज़ कर सकें या रिसाइकल या अपसाइकल उनको कर सकें अच्छे अच्छे बैग्स में, कपड़ों में, ताकि जो कॉन्सेप्ट है कि जितना घर का आपका फैब्रिक वेस्ट है वो लैंडफिल में ना जाए। और हम लोग सीधे सीधे वीवर्स से भी कनेक्ट करते हैं, हमेशा हैंडलूम का कपड़ा लेते हैं ताकि जो पूरी चेन है फ्रॉम द वीवर टू द पर्सन जो यहाँ पे बना रहा है वो एक एथिकल पूरी चेन बने और कहीं पे भी मिडिल मैन ना हो, ताकि हमारे जो लेडीज़ हैं और जो वीवर्स हैं उनको एक फेयर प्राइस मिल सके। पहले यहाँ पे बहुत सारा वोकेशनल ट्रेनिंग होता था, बट वोकेशनल ट्रेनिंग करके लेडीज़ अपने घर चली जाती थी। मुझे लगा कि सस्टेनेबल लाइवलीहुड की तरफ इसको टर्न करना चाहिए। मेरा ट्रेनिंग हुई थी मास्कॉम जामिया से, मैंने अपना मास्टर्स किया है मास कम्युनिकेशन में और फिल्म मेकिंग में, और मैंने क्लाइमेट चेंज, ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट, इन सब चीज़ों पे बहुत सारी फिल्में बनाई। एंड फिल्में बनाते बनाते मुझे ऐसा लगा कि मुझे किसी की लाइफ में कुछ चेंज लाने की ज़रूरत है। एक वन टू वन कनेक्शन मिस हो रहा था, ऐसा लग रहा था मेरी अपनी पर्सनल ज़िंदगी चली जा रही है अपने छोटे परिवार के साथ, और मैं एक बड़ा चेंज लाने की मैंने सोचा कि एक कुछ बड़ा चेंज लाना चाहिए। और मेरी मदर का ये एनजीओ था और मुझे इससे बेटर अपॉर्चुनिटी नहीं मिल सकती थी, तो मैंने यहीं पर आके, महाशक्ति इज़ लाइक अ फैमिली, है मेरे एक परिवार जैसा है, तो मैंने यहीं पर आके शुरुआत करी। है ना, 1992 में ये इस्टेब्लिश हुआ था। वो भोपाल गैस ट्रेजेडी जब हुई थी तो बहुत सारी लेडीज़ थी जिनके जो मेन ब्रेड अर्नर्स थे उनके हस्बैंड्स की डेथ हो गई थी, तो ये सोच के कि उन लेडीज़ को यहाँ पे कुछ ऐसा काम सिखाया जाए ताकि वो अपनी आजीविका अर्न कर सके। क्योंकि मैंने इंस्टाग्राम और फेसबुक इन सब के ज़रिए बहुत सारे सस्टेनेबल जो काम कर रहे हैं उन लोगों को एक साथ जोड़ा है, तो अब हमारे पास ऑर्डर्स US से भी आते हैं, फिनलैंड से भी आते हैं, और हमारे जो लोकल इंडिया के, दिल्ली के, बॉम्बे के भी ऑर्डर्स आते हैं। वो सारे ऑर्डर्स ऐसे ही होते हैं कि कैसे पुराने कपड़ों को अपस्केल किया जा सके। पहले तो इन लोगों को सही से सिलाई सिखाना वाज आल्सो अ चैलेंज, क्योंकि अगर आप US मार्केट के लिए कुछ बना रहे हैं तो आपकी सिलाई बहुत अच्छी होनी चाहिए, तो उस पर हम लोग ने बहुत काम किया। मार्केट लिंकेजेस बनाने के लिए बहुत मेहनत लगी, लेकिन अब हम इस पोजीशन पे हैं कि सारी की सारी लेडीज़ अब इतना फाइनेंशियली एम्पावर्ड हो गई हैं कि वो अपने हस्बैंड्स की इनकम को सपोर्ट करती हैं, और इन किसी किसी के तो इन्हीं के इनकम से उनका घर चलता है। पुराना कपड़ा है वो इकट्ठा करते हैं और अपने यहाँ पे लेके आते हैं, फिर उसकी सॉर्टिंग करते हैं फैब्रिक वाइज़ कि कॉटन अलग करते हैं, सिल्क अलग करते हैं, देन उसको उसकी सॉर्टिंग होती है कलर वाइज, ब्लूज़, पिंक्स, फिर उसके बाद हम लोग देखते हैं कि इससे क्या बनाया जा सकता है। तो हम लोग बेसिक एक बैग से शुरू करते हैं, फिर छोटे छोटे पैचेस हम लोग कोई कोई गारमेंट्स में भी लगाते हैं, और इनोवेशन बहुत होता रहता है। का नाम जो है बिल्कुल सिनोनिमस हो गया है कि ये लोग पुराने कपड़ों को बहुत अच्छा अपसाइकिल करते हैं, तो इन्हीं से ही लेना चाहिए। इट इज़ सस्टेनेबल ऑल्सो एंड गुड फॉर द एनवायरनमेंट ऑल्सो। शेयर और डाउनलोड करें दैनिक भास्कर ऐप।